ये हैं हमारी दिव्या जी, और इन्हें तो आप लोग जानते होंगे, कई नामों से इनको पुकारते हैं आप लोग। और ये निकल पड़ी हैं नौकरी की तलाश में, और भगवान के आगे इन्होंने हाथ जोड़ लिया है। अब देखिए इन्हें नौकरी मिलती है या नहीं मिलती है, जो भी है अब आगे आप खुद ही देख लीजिए। इसमें मैं इसके आगे क्या बोलूं। ऐ हसीना जुल्फों वाली, ओ हसीना जुल्फों वाली, जाने जहां ढूंढती है कातिल आंखें किसका निशान। क्या मचलती जवानी है यार। अबे मुझे तो कोई दूसरा आइटम लगती है। अबे आइटम चाहे जैसा हो लेकिन है मस्त। भैया मैं जैसी भी हूँ प्लीज मुझे जाने दीजिए। अब इतनी जल्दी क्या है। प्लीज भैया मुझे नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाना है, मुझे देर हो जाएगी, प्लीज मुझे जाने दीजिए। नौकरी? और तुम? अरे तुम्हें तो मेरी बाहों में होना चाहिए जाने मन। अबे ये तो छक्का है बे। भैया मैं छक्का हूँ प्लीज मुझे जाने दीजिए। तो फिर छक्के पे छक्का मारने दीजिए ना। इसमें आप लोग का कोई कसूर नहीं है भैया। ये जो अभिशाप हमें मिला है उसका दंश तो हमको झेलना ही पड़ेगा। आई एम सॉरी। भैया रुकना, भैया भैया ला। अरे देव ना ऐसा क्यों करते हो तुम लोग, लाओ। अरे देखो तो सही, चमेली खड़ी है देखो। हाँ आज मुझे नौकरी के लिए इंटरव्यू देने। नौकरी की हम भी बहुत दिन बैठे बैन, लेकिन आज तक सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। मुझे देखो मैं आज मांग खा रही, मेरा भी यही कहना है कि आज मेरे भी मांगा यही अच्छा रहेगा। पढ़ी लिखी समझी। मुझे तुम लोगों की नींद लग रही है। बढ़िया है कि जा रही है, आएंगी आएंगी यहीं रनिया, आना यहीं। हाँ ला भैया। रिक्शा रिक्शा थैंक यू। यस बैठो। थैंक यू।
गुड, पढ़ाई में तो आप बहुत अच्छी हैं। थैंक यू सर। तो क्या मुझे ये जॉब मिल जाएगी? ये तो सिलेक्शन कमेटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जॉब मिलेगी या नहीं। मान लीजिए ये जॉब आपको अगर मिल भी जाती है तो क्या आप यहाँ कंफर्टेबल महसूस करेंगे अपने आप को? क्यों नहीं सर, मैं औरों जैसी नहीं हूँ। लेकिन इस वर्ग का मुख्य पेशा तो नाच गाकर पैसा कमाना होता है। ऐसा नहीं है सर, मजबूरी इंसान को क्या क्या कराती है। सॉरी, यू डोंट डिजर्व दिस जॉब। सर, सरकार हम लोगों के विकास के लिए तमाम वादे करती है, यहाँ तक कि कोर्ट ने भी समानता का अधिकार का ऑर्डर दे दिया है कि हम लोगों को भी समानता का अधिकार मिलेगा। लेकिन आपके बिहेवियर से तो ऐसा लग रहा है हम जहाँ थे वहीं रहेंगे। हमने आपको डिबेट करने के लिए नहीं बुलाया ना योगो। सर, मैं डिबेट नहीं कर रही हूँ, मैंने अखबार में जो पढ़ा है वही बता रही हूँ। चलिए जाइए, हम यहाँ आपकी समस्या या भाषण सुनने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। चलिए जाइए। मैं इंटरव्यू के लिए आई थी। जी बैठिए। दिव्या जी। जी सर, आपको बुला रहा हूँ। ओके। दिनेश। जी सर। मैडम को पानी पिलाओ। नो थैंक्स सर। दिव्या जी। जी आप तो ट्रांसजेंडर है ना? जी सर। तो आपको ये जॉब हम कैसे दे सकते हैं? क्यों सर, आखिर इसमें हमारा क्या कसूर है? अब हमारे देश में लड़कों की कमी हो गई, जो अब किन्नरों को जॉब दी जाए? सर, मैं भी क्वालिफाइड हूँ और हर क्षेत्र की जानकारी रखती हूँ। सॉरी, फिर भी हम आपको ये जॉब नहीं दे सकते। आप जा सकते। दस रुपया और। दस रुपये नहीं है भैया, 110 हुए, 10 रुपया और दे दीजिए। ये देखिए, मैं अपना पूरा पर्स दिखा देती हूँ। पर्स में मैं क्या देखूँगा भैया, मेरे पास एक भी रुपये नहीं बचे। देखिए ना, मेरे पास एक भी रुपये नहीं बचे। 10 रुपया और दो और जाओ। भैया नहीं है मेरे पास, कहाँ से दे दूँ आपको? कहीं से भी ला के दो। क्या हुआ दिव्या? अब कुछ नहीं, मेरे पास पूरे पैसे नहीं पड़ रहे। कितने पैसे कम पड़ रहे भैया? 10 रुपये। ये लो 10 रुपये। चलो दिव्या। क्या हुआ दिव्या, तुमको बड़ा नौकरी करने गई थी? क्या हुआ तेरी नौकरी का? नौकरी मिली नहीं, किसी नौकरी नहीं थी तुझको, जब भी उसी वक्त मैं कह रही थी आजा हमारे साथ का, तो हमारे साथ रहे तो अच्छा है, सरकार कुछ नहीं देने वाली। क्या हुआ, क्या देख रही है अब? मुझे नहीं करनी इसी नौकरी। Thank you.
नमस्कार, मैं हूँ पायल सिंह, पायल फाउंडेशन के अध्यक्ष। अभी आपने एक शॉर्ट फिल्म देखी थी जो किन्नरों को लेकर उस फिल्म को बनाई गई है, और उसमें किन्नरों की समस्याओं को लेकर बनाया गया है, क्योंकि आप देखते हैं किन्नरों के आगे कितनी समस्याएं आती हैं, लेकिन उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। सरकार बड़े बड़े दावे करती है किन्नरों के लिए कि कोर्ट से कई चीज़ें उन्होंने कहा लागू कर दी है। मैं इस बात को सरकार को ये बोलना चाहती हूँ, जो चीज़ें लागू की आपने वो तो एक अलग की बात हो गई है। सबसे पहले तो मैं देख रही किन्नरों के आधार कार्ड वोटर कार्ड ही नहीं बने हैं, बाकी की चीज़ों का क्या दावा करती है सरकार? कभी किन्नरों के दिल में किसी ने झांक के देखा है? अगर देखते हैं तो सिर्फ किन्नरों को ऊपर से देखते, कहते हैं ये बहुत खुश मिजाज के हैं और ये बहुत खुश रहते हैं। ये सोच आपकी बिल्कुल नहीं अच्छी है, क्योंकि अंदर से वो कितने टूटे हुए होते हैं, कभी उनके अंदर झांक कर देखिए। और इस फिल्म को देखने के बाद तो आपको खुद ही पता चला होगा कि किन्नर क्या नहीं करना चाहता है। अगर किन्नरों को मौका मिले तो किन्नर बहुत कुछ कर ले। किन्नर काम करने में भी तेज है, समाज में बराबर कदम से कदम मिला के चल सकता है, लेकिन आपने शॉर्ट फिल्म में देखा किस तरीके उसको जलील किया गया जगह जगह पे, क्योंकि लोग नहीं चाहते हैं कि किन्नर उनके बगल में बैठ के काम करे या उनके ऑफिस में काम करे, क्योंकि उसे सिर्फ एक मजाक बना रखा है। ये जो मजाक बना रखा है ये बहुत गलत चीज़ है। मैं कहती हूँ सरकार से कि जिस तरीके आम महिलाओं पुरुष के लिए इतना कुछ किया है, वैसे किन्नरों के लिए भी कुछ ऐसा करें। किन्नरों के लिए, हमारी किन्नर बहनें, उनको पढ़ाई लिखाई तालीम मिलनी चाहिए, और जिनको काम की ज़रूरत है उन्हें काम मिलना चाहिए। अगर आप, मैं कहती हूँ सरकार जिस तरीके सबको सरकारी नौकरी देती है, किन्नरों को दे, देखिए वो भी ये सब काम धाम छोड़ देंगे और छोड़ के वो एक नई जीवन, एक नई शुरुआत करेंगे, और नई शुरुआत करके और वो दिखाएंगे कि हम भी किसी से कम नहीं हैं, हम भी कदम से कदम मिला के चल सकते हैं और हम भी समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। या मैं देखती कुछ मेरी किन्नर बहनें जो हैं इतनी मदद करती हैं गरीबों की, इतनी हेल्प करती हैं गरीबों की। कभी किन्नर के मोहल्ले में आप चले जाइए और जाकर आप अगल बगल पूछ के देख लीजिए, फिर वहाँ के लोग ही उनकी तारीफ करेंगे कि ये तो बहुत अच्छी हैं, इनकी वजह से हमारा परिवार चल रहा है, इनकी वजह से हमारे घर में लड़कियाँ सेफ हैं, इनकी वजह से हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। फिर मैं कहती हूँ इनको अनदेखा क्यों किया जा रहा है, इन्हें क्यों नहीं लाया जा रहा है? इनको भी लाया जाए आगे, इन्हें भी हक और दर्जा मिलना चाहिए कि ये भी बहुत कुछ कर सकें और करके आगे बढ़ें। आप एक बार इन्हें मौका तो दीजिए। ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगी, और उसके बाद मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि ये जो हमारी टीम ने काम किया है हमारी जो शॉर्ट फिल्म में, इस टीम को मैं सल्यूट करती हूँ, नमस्कार करती हूँ कि इन्होंने ये कदम उठाया, इन्होंने ये कदम उठाया और हमारा साथ दिया और हमारे किन्नर बहनों का सपोर्ट किया। इसी तरीके जिस तरीके इस टीम ने सपोर्ट किया, उसी तरीके मैं चाहूँगी वो जनता भी हमारा सपोर्ट करे और सरकार तक हमारी ये बात पहुँचाए, और पहुँचाने के बाद हमारी किन्नर बहनों का हक दिलाने का पूरी कोशिश करें कि समाज में उन्हें भी बराबर का दर्जा मिले और वो भी समाज में कदम से कदम मिला के चल सकें। नमस्कार।